आप आगरा से आई हैं, आगरा में ताजमहल देखा है आपने? गई है ताजमहल पे? कैसा लगा ताजमहल? अच्छा अच्छा लगा। और अब आप आगरा से नोएडा आ गई ये वाली जगह देखने के लिए, ये कैसी लगी आपको? अच्छा अच्छा। तो दोनों में से अगर मैं पूछूं, ताजमहल ज्यादा अच्छा है कि ये वाली जगह? ये वाली अच्छी है। आप पहचानते हैं इनको, इनमें से कौन है? काशीराम साहब कौन है? काशीराम साहब बाबा साहब के बगल में, ये वाले। और हाँ। बहन जी कौन है? तो बाबा साहब के साइड। हाथी पे दबाते हैं हर साल, लेकिन वो लोग कहते हैं कि बटन हाथी का दबाओ वोट तो कमल के फूल पे जाएगा। हाँ। अब देखो, पहले तो थप्पे वाले चलते थे। हाँ। तो उसमें मायावती बहन जी जीत जाती थी। अब नहीं, उनकी चालाकी चल रही है। किसी समाज का इतिहास उसके निर्माण, उसके स्थलों और उसके स्मारकों से भी याद किया जाता है। जैसे आप दिल्ली में जाते हैं और लाल किले को देखते हैं तो आपको याद आ जाती है कि मुगलों ने लाल किले को बनाया था। इसी तरह से इतिहास में अपने निर्माणों द्वारा, स्थलों द्वारा, स्मारकों द्वारा अपने इतिहास को दर्ज किया जाता है। ये जो आप पीछे देख रहे हैं, इसको देखकर शायद आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैं कहां पर हूं। मैं इस समय दिल्ली से सटे हुए नोएडा में राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर मौजूद हूं। और यहां जो अंबेडकर पार्क के नाम से जो चीज़ मशहूर है, अब मायावती पार्क के नाम से भी कुछ लोग इसको बुलाते हैं, यहां पर मैं मौजूद हूं। और जो मुख्य गुंबद है वहां पर जब आप आते हैं, एंट्री करते हैं, तो सामने आपको बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही विशाल महाकाय प्रतिमाएँ दिखती हैं, मूर्तियाँ दिखती हैं, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिनका स्थान ऊँचा है, उनको ऊपर रखा गया है। और उसके साथ में आप देखेंगे तो मान्यवर कांशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती, उन दोनों की प्रतिमाएं, मूर्तियां यहां पर लगी हुई हैं। ये पार्क के मेन गुंबद में जब आप एंट्री करते हैं तो यहां पर आपको दिखाई देता है। इस पार्क में जो मूर्तियां लगाई गई हैं, जो निर्माण किया गया है, जो स्थापत्य कला है, उसके जरिए जो बहुजन समाज और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतीक और जो बहुजन समाज के नायक और नायिकाएं हैं, महानायक हैं, उनको सम्मान देने की बात यहां पर बहन कुमारी मायावती ने की है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूं तो यहां पर जो एक नोटिस बोर्ड की तरह एक यहां पर जानकारी इसमें दी गई है, जिसमें राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल लिखा है, तो उसमें सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि यहां पर जो अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लोग रहे हैं, जिन्होंने महान काम किया, जिन्होंने व्यवस्थाओं को समतामूलक बनाया, उनके लिए इसमें यहां पर बीएसपी की अगुवाई में, बहन जी की अगुवाई में, उनके मान सम्मान के लिए निर्माण किया गया है, जो आगे चलकर निश्चित ही इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया जाएगा। तो ये यहां पर इसमें ये जानकारी दी है, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाता है कि किस तरह से इस तरह के जो विशाल निर्माण होते हैं, जो स्थल होते हैं, वो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए याद करते हैं। आप अपना घर बनाते हैं, 20 साल, 30 साल, 50 साल बाद, 60 साल बाद वो टूट जाता है, फिर आपको बनाना पड़ता है, लेकिन ये जो निर्माण हुआ है ये सदियों तक चलने वाला है, लाल किले की तरह खड़ा रहेगा और ये बताता रहेगा कि किस तरह से बहुजन समाज के नायकों को सम्मान मिला। इस पार्क से मैं आज आपको कुछ लोगों की राय भी सुनाऊंगा, क्योंकि इस पार्क को लेकर बहुत बार मीडिया द्वारा, खासकर जिसे आप मनु मीडिया कहते हैं, उसके द्वारा ये भ्रांतियां फैलाई गई कि यहाँ पर फिजूल खर्ची हुई, पैसा बर्बाद किया गया, मायावती ने अपनी मूर्ति क्यों लगा दी, इस तरह के तमाम भ्रांतियां और तमाम विवाद खड़े किए गए। मैं यहाँ आने वाले लोगों से आज पूछूंगा कि उन्हें यहाँ पर आकर कैसा लगा, इस निर्माण को देखकर उन्हें क्या अनुभूति हुई है, कैसा भाव आया है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर हूँ और यहाँ कुछ नौजवान मुझे मिले हैं, इनसे बात करेंगे। पहली बार पार्क में आए हैं, कैसा लगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयेश कुमार है, हम हरिद्वार दिल्ली के रहने वाले हैं। जयेश नाम है? जयेश नाम है। जयेश, यहाँ पहली बार आए हैं? यस सर, पहली बार आए सर हम। तो ये दिल्ली में लाल किला देखने जाते थे, नोएडा में सिर्फ इसी स्मारक को देखने आए हैं क्या? यस सर, क्योंकि ये सर हमारे दलित प्रेरणा स्थल है, ये मायावती द्वारा बनवाया गया,
तो इसलिए हम सर हम अपने उसमें क्या जैसे कि आपको अपना इतिहास जानने को इतिहास जानने को मिलेगा और घूमने को मिलेगा, देखने को मिलेगा कि हमारा इतिहास किस तरीके से गुजरा है। तो इस तरीके से हम जगह जगह घूमकर अपने दलित प्रेरणा जैसे कि स्थल है यहाँ पर हम आए कि इसके बारे में जान सके, हम अच्छी तरीके से जाने कि हमें ज्ञान हो जो हम आगे भी ज्ञान अपने बच्चों को अपने आने वाली पीढ़ी को दे सके कि हमारा जीवन किस तरीके से बीता है। आपका नाम जयेश है, जयेश आप क्या करते हैं, पढ़ाई करते क्या करते हैं? सर हम स्टूडेंट है। सर स्टूडेंट है, क्या पढ़ाई? सर हम बी ए सेकेंड ईयर कर रहे हैं। बी ए सेकेंड ईयर सर। तो बी ए जब कर रहे हैं तो बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी है ना, अलग अलग स्कूल में फिर कॉलेज में किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन उन किताबों में इस तरह से बहुजन महानायकों के बारे में कहानी नहीं होती, तो इस पार्क में आके उनके बारे में अलग जानकारी मिली है आपको? हमें यहाँ पर आकर जानकारी मिली है कि हमें यहाँ पर आकर पता भी चला है कि हमारा जीवन किस तरीके से बीता, जो हमारा जीवन काल तो बहुत ही संघर्षों से गुजरा है, तो हमें यहाँ करके पता भी चलता है कि किस किस तरीके से हमने कठिनाइयों का सामना कराया। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम विशाल गौतम है। विशाल आप कहाँ से आए हैं? हाँ जी मैं भी हरिद्वार से आया हूँ, दिल्ली से ही। अच्छा, तो कोई खास दिन चुना आपने आने के लिए या किसी ऐसे ही प्रोग्राम बनाया? इधर आने का रुख कैसे किया? ये अपना ही स्थल है तो जब मर्जी आ सकते हैं यहाँ पे, तो कोई खास प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आप पहली बार आए हैं? नहीं कई बार आ चुका हूँ वैसे। अच्छा। बट अंदर यहाँ पहली फर्स्ट टाइम है। तो ये बहन जी की आप मूर्ति देखते हैं, सामने बाबा साहब हैं, मान्यवर काशीराम साहब है, इन मूर्तियों को देखकर क्या जहन में आता है, क्या ख्याल आता है? जहन में यह आता है कि जो अपने समाज के बंदे हैं तो अपने समाज को ऊपर करने में लगे हुए हैं, तो बाकी जो अगला अदर समाज होते हैं वो हमेशा दबाने की ही सोचता है अपने से निचले समाज को, तो इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि अपना समाज भी ऊपर जाना चाहिए, सर समाज समान होना चाहिए। कुछ ऊर्जा का संचार होता है, मजबूती महसूस होती है कि नहीं हमारे लोग ये कर सकते हैं तो हमें फिर आगे लगे रहना है? वो तो ऊर्जा तो खैर अपने अंदर ही बनानी पड़ेगी हमें, कोई किसी के भरोसे तो रह नहीं सकते हम, क्योंकि अपने आप से ही हमें शक्ति मिलती है, जब हम अपने आप को समझाएंगे तभी दूसरों को समझाने के काबिल बनेंगे, बस इतना ही चाहेंगे हम तो। आपका नाम क्या है जी? मोनू। मोनू आप क्या काम करते हैं? जी अभी तो कुछ नहीं जी, बस। अच्छा बेरोजगार है अभी तो। आप भी दिल्ली से आए हैं? हाँ जी दिल्ली से। अच्छा दिल्ली में बहुत सारे पर्यटन केंद्र हैं है ना, कुतुब मीनार है, लाल किला है, लोटस टेंपल चले जाइए, इंडिया गेट चले जाइए, ये लग रहा है कि ये वाली जो जगह है ये एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह भी इसको ये विकसित हुई है, यहाँ पर भी लोग आएँ और जाने, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल जी यहाँ होना चाहिए फिलहाल, जैसे मुझे लगता नहीं जैसे और भी लोग जैसे लाल किला वगैरह या तुम्हारा कुतुब मीनार हो गया और जैसे ताजमहल वगैरह जैसे और भी है वहाँ पर जाते हैं वैसे, तो यहाँ भी इनको आना चाहिए। आपको आके कैसा लगा? मुझे तो वो जी बहुत अच्छा लगा, जिस हिसाब से पार्क की खूबसूरती है कि उसमें पर्यावरण है बहुत अच्छा है। तो वो लोग कहते हैं कि बहन जी ने फिजूल खर्ची की है, ये पैसा बहा दिया, बर्बाद कर दिया, वो उस पर आपका क्या कहना? फिजूल खर्चे जी कुछ नहीं है, अब उसमें अपने समाज के लिए उन्होंने देख के बहुत सही खर्च किया है, ठीक है। और ये फिजूल करते तो ये भी करते हैं जी, फालतू के विज्ञापन वगैरह इतना करते हैं ये पार्टी वाले, तो वो भी फिजूल खर्चे जी। तो आप तो चूंकि दिल्ली में हैं, यूपी में तो आप मतदाता हैं नहीं, लेकिन कोई तो पहचान का यूपी में होगा, हैं कुछ लोग आपके? हाँ जी है पहचान वाले। तो अभी चुनाव आने वाला है 2022 का, तो फोन वोन पे बतियाते होंगे, बात करते होंगे, तो क्या रुझान कुछ जिक्र होता है चुनाव में, बहन जी का या अखिलेश का, चंद्रशेखर का, योगी का, कुछ चर्चा होती है? नहीं अभी फिलहाल तो जी कुछ यूपी का कन्फर्म नहीं है, मेरे को कोई बात वगैरह नहीं हो पाती, बट देखते हैं जैसे भी अब आने वाले हैं चुनाव, ज्यादा दिन है नहीं, पर जो भी है सरकार सिस्टम वो सरकार नहीं रहेगी जहाँ तक, योगी नहीं रहेगी जी। इधर नाम बताओ, क्या नाम है? तान्या। तान्या तान्या कहाँ से आई हैं आप? आगरा से। आगरा से इधर आई आप? इधर आप डरिए मत आप तान्या नाम है, आप आगरा से आई हैं। आगरा में ताजमहल देखा आपने? गई है ताजमहल पे, कैसा लगा ताजमहल? अच्छा लगा। और अब आप आगरा से नोएडा आ गई ये वाली जगह देखने के लिए, ये कैसी लगी आपको? अच्छा। तो दोनों में से अगर मैं पूछूं ताजमहल ज्यादा अच्छा है कि ये वाली जगह? ये वाली अच्छी है। क्यों अच्छी लगी आपको, क्या अच्छा लगा यहाँ पे? क्या अच्छा लगा? हाथी अच्छे लगे और ये बाबा साहब की मूर्ति जो है इधर, ये अच्छी लगी? कितनी अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी। आप इधर आइए बेटा, आप इधर आओ। आपका नाम क्या है?
मान्या, वो तान्या और ये मान्या, आप दोनों बहने हैं। आप भी आगरा से आई हैं फिर? हाँ। क्या करती हैं बेटा तान्या आप? मैं पढ़ाई करती हैं। कौन सी क्लास में है? फोर्थ क्लास में है। तो ये तान्या को तो बहुत पसंद आया, वो कह रही है कि ताजमहल से ज्यादा अच्छा लगा उनको, हाथियां बड़े बड़े बाबा साहब हैं। आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। यहाँ की सबसे अच्छी चीज कौन सी लगी? ये मूर्ति। किसकी? तीन लोग हैं, मायावती, कांशीराम साहब और बाबा साहब। कौन सी? तीनों की अच्छी लगी। आप पहचानते इनको? इनमें से कौन है? कांशीराम साहब कौन है? कांशीराम साहब बाबा साहब के बगल में, ये वाले। और हाँ। बहन जी कौन है? वो बाबा साहब के साइड, और वो पीछे बाबा साहब। हाँ। तो आपको, आप घर में घर वाले बताते हैं इन लोगों के बारे में? बताते हैं। अच्छा, तो यहाँ क्या अच्छा लगा? अच्छा लगा। फिर आएंगी? आएंगी। बहुत शुक्रिया बेटा। तो मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं जो कि आगरा से यहाँ पर आई हैं, और आगरा का ताजमहल देखने के बाद नोएडा का दलित प्रेरणा स्थल इन्हें कैसा लगा, उस बारे में हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सीमा बोध। अच्छा, सीमा बोध, आप आगरा से आई हैं? हाँ। तो आगरा में ताजमहल देख के आई हैं और फिर ये देख रही हैं, तो कुछ लग रहा है कौन सी कंपेयर करेंगे तो कौन पहले नंबर पे? ये आएगा। क्यों आएगा? मतलब काफी अच्छा है, इमारतें बहुत अच्छी है, तो अच्छा ही लगा यहाँ। आपको अच्छा लगा? आपको, आपका नाम बताइए। मेरा नाम बीना देवी। बीना देवी। तो कैसा लगा पार्क आपको? बहुत अच्छा लगा। मायावती भी है, बाबा साहब भी है, काशीराम भी है, बहुत अच्छा लगा। तो बहन जी के बारे में कहते हैं कि उन्होंने जीते जी अपनी मूर्ति लगा दी। तो जीते जी इंसान की मूर्ति देखकर आपको अच्छा लगा या फिर लगा कि नहीं लगानी चाहिए थी? कैसा लगा? अच्छा लगा ना, अच्छा लगा। जो आपने उन्हें अपनी मूर्ति लगाई है तो अच्छा ही लगा है। और ज्ञान तो जो कहते हैं कि मायावती बहन जी आए देश के लिए। अच्छा। हाँ, देश में कि यूपी में? अभी यूपी में चुनाव होने वाले हैं 2022 में। हाँ, और मायावती बहन जी आए, कितनी महंगाई कर दी है, सिलेंडर 1000 का हो गया है, तेल 200 रुपए किलो हो गया है, क्या खाएं गरीब आदमी, क्या खाएंगे? वो कह रहे हैं कि खाइए भाई ये मत। हाँ। आप बस वोट कर दीजिए। अच्छा। बीजेपी वाले कह रहे हैं वोट करते रहो, चीन पाकिस्तान करते रहो, हिंदू मुसलमान करते रहो, और बाकी खाने पीने की बात मत करो। तो फिर खाएंगे नहीं तो चलेंगे कैसे? अच्छा, बहन जी का शासन आपने देखा होगा जब वो सरकार में थी, है ना, 2012 से पहले वो सरकार में थी, तो बहन जी की शासन अच्छा था या उसके बाद जो अखिलेश यादव आए या जो योगी आदित्यनाथ हैं वो आए हैं, तो इनमें से अगर आप देखें तो आपको किसकी सरकार अच्छी लगती? मैं तो बहन जी की अच्छी लगी थी, गरीब भैया उनने नौकरी पर लगा दिए थे और इनने तो निकाल दिए सारे लोग, योगी ने सबको निकाल दिया। और क्या, गरीब भैया बेचारे डोल रहे हैं, मतलब क्या खाएं, जिनको जो दो बच्चे हैं क्या खाएं बच्चे। तो मायावती बहन जी ने तो सारे बच्चे गरीब के लगा दिए, नौकरी में दबा दी उनने। तो अभी 2022 में जब आप लोग ईवीएम का बटन दबाएंगे तो हाथी पे दबाएंगे हम, तो हाथी पे दबाते हैं हर साल। लेकिन वो लोग कहते हैं कि बटन हाथी का दबाओ, वोट तो कमल के फूल पे जाएगा। हाँ, अब देखो पहले तो थप्पे वाले चलते थे तो उसमें मायावती बहन जी जीत जाती थी, अब नहीं, उनकी चालाकी चल रही है तो कैसे जीत जाएंगे? फायदा क्या हुआ, हाथी दबाते रहिए, वोट तो उधर चला गया। और उसमें वो भी तो चला गया अपना देख के, और जब बटन दबाएं। आप भी आगरा से हैं क्या? जी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मनीष बौद्ध है। मनीष बौद्ध जी, तो हम अभी यूपी चुनाव पे बात कर रहे थे जी। तो आपको बहन जी का शासन कैसा लगा या 2022 में उन्हें कितनी दमदार देखते हैं आप? सर, बहन जी का शासन 2022 में पहले नंबर तो कानून व्यवस्था जो थी बहुत सी चुस्त थी। जो भी अधिकारी आज 10-10, 11-11 बजे तनख्वाह पे तो ड्यूटी पे आता है, वो सही समय 9 बजे ड्यूटी पे आता था। एक गरीब तबके से लेकर हर व्यक्ति, हर मुस्लिम की सुनने वाला था उस समय। अब तो क्या है कि सारी व्यवस्था सरकारी सब तहस नहस हो चुकी है, कोई किसी सुनने वाला नहीं है। योगी जी तो कह रहे हैं कि हमने उत्तम प्रदेश बना दिया, एक नंबर पे ले आए, कितने पोस्टर लगाए इधर दिल्ली नोएडा में। ये खाली फोटो खिंचवा आ सकते हैं और पोस्टर लगा सकते हैं, काम बिल्कुल 0/0 है। आज यूपी में वो हालात हो गए हैं कि लोग
भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। 5 किलो भीख में गेहूं दे रहे हैं तो 1500 रुपए का जो बजट है हमारा वो महीने का बिगड़ चुका है। तो बताइए हम क्या दे रहे हैं, हमारा जो रोजगार था वो भी हमें छिड़ गया। तो बताइए हम क्या खाएं, क्या करें बच्चों के लिए, क्या एजुकेशन बच्चों को दें हम। तो हम इसमें भुखमरी की कगार में हैं। तो बहन जी का जो 2022 में हमें आपकी बार बहन जी को 5वां मुख्यमंत्री बनाना है जब ही हमारा भला हो सकता है। लेकिन जो योगी हैं वो हिंदू मुसलमान चीन पाकिस्तान मीडिया और इन सारी चीज़ों के सहारे जो हैं वो माहौल बनाने में लगे हुए हैं, है ना। अभी कल जो है अमित शाह बोले कि जो लड़कियां हैं वो सोने से लद के भी रात में 12 बजे चली जाएंगी, इतना उनको कोई परेशानी नहीं होगी, इतना अच्छा हमने बना दिया है। और साथ में जो मजहब का तड़का है वहाँ बहन जी मुकाबला कर पाएंगी क्या उसका? देखिए आज का व्यक्ति जागरूक है और समझ चुका है, इन्होंने जो राजनीति की है मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है, लोग बात समझ चुके हैं। लोग बाबा को चाहिए रोजगार चाहिए, लोग बाबा को चाहिए कि बच्चों से अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी सड़कें बने। मतलब हमारा जो वोट होगा हमारा रोजगार पे वोट होगा, आपको शिक्षा पे वोट होगा, हमें विकास पे वोट होगा, हमारा हिंदू मुस्लिम पे नहीं वोट होगा। हिंदू मुस्लिम कोई ना हिंदू लड़ना चाहता ना मुस्लिम लड़ना चाहता, लड़ाने वाले ये नेता होते हैं जो हिंदू मुस्लिम करके लड़ाते हैं। मगर आज का व्यक्ति स्वतंत्र और जानता है, जागरूक है कि आपकी कोई नहीं लड़ेगा। आप तो ये BSP का पटका पहन के आए, तो इसका अनुमान मैं लगाऊं कि आप BSP के सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं? पहले मैं एक बाबा साहब मिशन मूवमेंट से जुड़ा हुआ हूँ, मिशन मूवमेंट के लिए काम करता हूँ और मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हमारे माननीय साहब आगे आए थे। और माननीय साहब ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, उसी मूवमेंट के लिए हम उनकी विचारधाराओं से आज हम जुड़े हुए हैं। तो मैं बहुत साहब एक बड़ा सीरियस सा सवाल लूँगा कि आप मिशन के प्रति तो आपकी भावनाएं मैं समझ रहा हूँ, बहन जी के प्रति समझ रहा हूँ, तो जो आप कह रहे हैं कि 2022 में कमाल होगा वो भावनाओं में आकर कह रहे हैं या जमीनी हकीकत आपको पता है, क्योंकि आप तो ग्राउंड में रहते होंगे ना? सर मैं आपको बता दूं, मैं बहुजन समाज पार्टी के आगरे में विधानसभा का एक पदाधिकारी हूँ, जो पार्टी में जो वर्ग था, जो मतलब कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, जो कार्य करते थे वो जमीनी तौर पर थोड़ा कम करते थे। अब हमें ऐसा देखा है कि 2 सालों से लगातार सेक्टर बूथ एवं विधानसभाओं का गठन हो रहा है, गली मोहल्ले जाके लोगों को वोट न्यू वोट बढ़वाए जा रहे हैं और जगह जगह अपने सेक्टर का गठन हो रहा है, जो कार्य कर रहा है अब वो सही माने परसेंट सही कार्य हो रहा है। हर समाज में, हर धर्म में, हर समाज के व्यक्ति हो, जो कोई व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, आज बहन जी का शासन देना चाहता है, क्योंकि हमारे आगरे में स्वर्ण समाज जो था वो कभी सुरक्षित रहा नहीं, बहन जी सरकार में सुरक्षित था, क्योंकि उन लोगों जितनी इंक्वांटर हुए, जितने ही लूट होती हैं ज़्यादातर उन लोगों के लिए होती है, आपको बता दें। अच्छा, तो आप तो मिशनरी आदमी हैं, आपने बता दिया मान्यवर साहब के। मान्यवर साहब कहते थे वो लोग हमारे दुश्मन हैं, यही सिखाया ना मान्यवर साहब ने कि लड़ाई हमारी उनके साथ में है, शोषण वो करते हैं, जाति भेद वो करते हैं, और उनके साथ में ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है, उनके साथ बैठ के समझौता हो रहा है, तो मिशन कॉम्प्रोमाइज हुआ है क्या? नहीं सर, देखो ऐसा है, मान्यवर साहब ने मूवमेंट जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए निकाला है, पहले नंबर तो कभी ब्राह्मणों के लिए निकाला है, ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। आज ब्राह्मण समाज का ज्यादातर उत्पीड़न हो रहा है, उन लोगों का मालूम है हमारा हिताय बहन जी के नेतृत्व में हो सकता है, हमें जो मूल रूप सुविधा दे सकती है कानून व्यवस्था होती बहन जी के रूप में दे सकती है, तो ब्राह्मण समाज इसमें पूरे जो सोच के साथ बहन जी के साथ है। बहन जी आने वाली है 100% 2022 में 5वीं बार BSP सरकार। और कौन आएगा, और कौन आएगा? बहन जी आएंगी। अच्छा, क्यों आएंगी? क्यों आएंगी? अच्छा काम करेंगे, ये मोदी जो अच्छा काम कर रहे हैं, और जनता मुंगी मार दी उनने, बच्चे अनपढ़ कर दी, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और जाए तो एडमिशन है तो पूरी 2 साल की पढ़ वो फीस मांग रहे हैं, कहाँ दे देगी गरीब भैया? बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं कि प्राइवेट में? पहले तो भैया जब बम पढ़ रहे हैं हमारे गाँव में इंग्लिश मीडियम में, प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। हाँ, फीस बहुत भरनी पड़ती है, बहुत फीस।
अब तो पूरे साल के पीस मार रहे थे, अब कहाँ तो पीस देंगे भैया, कहाँ ले तो भैया मोहताज है। तो मतलब आपको बहन जी पसंद है? बहन जी पसंद है। बहन जी के बनाए हुए पार्क में आप आई हैं, ये पार्क आपको कैसे लगा, ये गुम्बद या मूर्तियाँ ये कैसे लगी? हमें तो हम तो नकलों भी गए थे, अब नकलों में घूम के आए, माँ तो बहन जी के चक्कर में फिर माया के बाद में आए। अब अच्छा लगता है? अच्छा लगता है बहुत। तो आपको लगता था कि हमारी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ हम चले जाएं सिर उठा के फक्र से ये कहें कि ये हमारी जगह है, वो बहन जी ने बना दिया? और क्या, बहन जी बनाती है और क्या, बहन जी ने पूरा अच्छा काम किया है। और बहन जी की इमारत मांगे थे नकलू, अभी घूम के आए। अच्छा, और क्या, लखनऊ वाले तो इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, दो दिन में घूम सकेंगे नहीं, बहुत अच्छी जगह पार्क है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के, थैंक यू। दोस्तों, द न्यूज़ वीक के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं।